हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आप सबके साथ वंदिता। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बत्ती का डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। देखिए कितनी सुंदर बत्ती है, मैं इसकी बैक साइड भी आपको दिखा रही हूँ। इस बत्ती को आप पैच की तरह भी यूज़ कर सकते हैं या कोई भी तरीके का पैटर्न आप बना सकते हैं। मैं ये बत्ती अपने कुशन कवर पर लगाने के लिए बना रही हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इस बत्ती के लिए मैं 4 प्लाई वूल ले रही हूँ, जो 4 प्लाई वूल है। ठीक है, आप कोई भी वूल ले सकते हैं। इसके साथ मैं 3.0 mm क्रोशे हुक ले रही हूँ। अगर आपके पास ये वाला क्रोशे हुक है तो ये बेस्ट है इसके लिए, इसमें बनाने में आसानी होगी। लेकिन अगर ये वाला भी है तो काम चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये इसके लिए बेस्ट है। चलिए शुरू करते हैं स्लिप नोट से, ऐसे, या आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले 6 चेन्स बनाएंगे। 2, 3, 4, 5 और 6। 6 चेन्स के बाद हम सबसे पहली चेन में एक स्लिप स्टिच बना के इसको यहाँ से जोड़ लेंगे और एक ये रिंग बना लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास एक ये रिंग बन गया है। अब हम 3 चेन्स बनाएंगे, 1, 2 और 3। 3 चेन्स बना लेने के बाद अब हम इसकी बैक साइड में देखिए, जो पहली चेन का बैक साइड है आप देखिए, ये आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। ये पीछे का ये जो चेन है, ये जो पीछे एक उठी हुई चेन होती है, आप देख पा रहे हैं, ये रुकिए मैं आपको निडल से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये वाली चेन जो पीछे से एक चेन में एक उठी होती है, ये चेन, इस चेन में से हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये पहले चेन में से थोड़ा बनाना मुश्किल होगा, तो थोड़ा इसको लूज एंड से बनाएं, थोड़ा ढीला ढीला बनाएं ऐसे, और इसको पूरा बनाना नहीं है, क्रोशे हुक के ऊपर ही रखना है इस फंदे को। दूसरी चेन में से भी ऐसी बनाएंगे, और तीसरी जहां हमने जोड़ा था उस चेन में से एक बनाएंगे, यहां। तो अब ये मेरे पास 4 फंदे हो गए हैं क्रोशे हुक पे। अब 2 में से 1 बनाएंगे, फिर 2 में से 1 बनाएंगे, और फिर लास्ट में 2 में से 1 बनाएंगे। तो मैंने टोटल 3 चेन बनाई, 1, 2, 3। ठीक है, अब देखिए पीछे से पहला ये पहला आप कभी भी मिस ना करें। ऐसे ही हम दूसरा में बनाएंगे, ये देखिए, ऐसे ही तीसरा, और चौथा हम बनाएंगे इस रिंग में से, इस गोले में से मैंने चौथा बनाया। इस बार मैंने एक फंदा बढ़ा लिया है, और फिर वैसे ही 2 का 1, 2 का 1 करके हम चेन्स बनाएंगे, 1, 2, 3 और ये 4। ये देखिए, पहले राउंड में 3 बनाए और दूसरे राउंड में 4, हमने एक बढ़ा लिया। फिर से वही शुरू करेंगे, पीछे से हम पहले फंदे में लेंगे। अगर आपने ये पहला फंदा मिस कर दिया तो वो पत्ती की शेप ही नहीं आएगी, तो आपने इसको बहुत ध्यान से बनाना है। 3, 4 और 5वां हमने इस बार फिर से रिंग में से बढ़ा लिया। तो अब हमारे पास 6 ये लूप्स हैं, 6 फंदे हैं मेरे उस पे।
तो अब फिर से दो का एक करेंगे, दो दूसरी चेन, तीसरी चेन, चार और ये पांच। मैं हर लाइन में, हर राउंड में एक चेन बढ़ा रही हूं। देखिए, एक, दो, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी आपको समझ ना आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ये देखिए, अब मैं एक और बढ़ा लूँगी इस रिंग में से, तो हर बार एक फंदा बढ़ता जाएगा। ये देखिए, अभी हमने छह चेन्स बनाई हैं इसमें, चौथे राउंड में। पहले में तीन थी, दूसरे में चार, तीसरे में पांच, एक, दो, ये तीसरी चेन में से और ये चौथी चेन में से, ये पांचवी, छह और ये सात। एक एक चेन, दो, तीन, चार, पांच और ये छह। ठीक है, हम टोटल 13 राउंड्स बनाएंगे। अभी मेरे 6 बन गए हैं। देखिए ऐसे, देखिए मेरे 12 राउंड बन गए हैं, ये ऐसे दिखेगी। मैं 13वां राउंड आपको फिर से दिखा रही हूँ, जो सबसे लास्ट है। आप काउंट कीजिए कि इसमें कितने फंदे मैं ले रही हूँ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। एक चेन दूसरी चेन से, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह और 15वां हम लेंगे इस रिंग में से। तो और एक मेरे पास सबसे शुरू में था, तो ये 16 फंदे टोटल इस टाइम मेरे क्रोशे हुक पे हैं। आप चाहे तो पॉज करके काउंट कर सकते हैं। चेन्स देखिए, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह और ये 15 और लास्ट में एक चेन। तो 13वें राउंड में मेरे पास 15 चेन्स बनी हैं लास्ट में। ये देखिए, ये कितनी सुंदर है। ये देखिए, ठीक है, अब हम यहाँ पे हम एक्स्ट्रा वूल को काट देंगे ऐसे। अगर आप इनको, इसको सिलना चाहती हैं या मेरी तरह इस पत्ती को यूज़ करना चाहती हैं, तो इस धागे को काटें नहीं ज़्यादा ज़्यादा, नहीं तो
अगर आप इससे कुछ और बना रहे हैं तो इसको धागे को छुपाना पड़ेगा। देखिए मैं आपको एक टिप बहुत अच्छी देती हूँ कि आप इस धागे को अपने उल्टे हाथ में पकड़िए, इसको अंगूठे और उंगली से ऐसे दबाइए धागे को, और सुई को हमेशा सीधे हाथ में पकड़िए और सुई को धागे में डालिए। धागे को सुई में डालने की कोशिश ना करें, सुई को धागे में डालने की कोशिश करें। देखिए ये काम ज़रूर करता है, आप इसको बहुत पसंद करेंगे। और आप इस एक्स्ट्रा वूल को सुई की हेल्प से ऐसे इसको हाइड कर सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे ये छुपाना नहीं है, मैं इसको सिलने में काम लूँगी जब मैं इसको उसको कुशन कवर पे चिपकाऊंगी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।